हेलो एनिमे फैंस, आज हम रिएक्ट करेंगे आप सबके फेवरेट एनिमे के कुछ थग लाइफ मोमेंट्स पर, तो शुरू करते हैं। चल हम आने दे। माकी माँ मुझसे और पावर से मिलना चाहती है, तो हम निकल रहे हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ मुफ्त के फल खाने आई थी। ये लो, ये एहसान तुम भी क्या याद रखोगे, खा लेना। मैं तो यहाँ अपना एप्पल वापस लेने आया था, और ये तो रो रहा है यार। अब इसे दोष भी नहीं दे सकते, बेचारे के बहुत सारे साथी जो मारे गए, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोया, जबकि वो तो पहली शख्स थी जो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर पावर मरी तो क्या मैं रोऊंगा? घंटा। मिस माकिमा मर गई तो क्या होगा? अगर मिस माकिमा मर गई तो शायद मैं कुछ वक्त के लिए उदास रहूंगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर मजे करने लगूंगा। शायद मेरे दिल के साथ मेरी फीलिंग्स भी मर चुकी हैं। छोड़ ना, इस वक्त मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ? चलो अब मिस माकिमा से मिलने चलते हैं। A few moments later, होटल वाली घटना और इस हमले को देखते हुए ये साफ है कि दुश्मन टेंजी के पीछे पड़ा है। अच्छा बात नहीं है। अच्छा तो क्या आप हमें ट्रेनिंग देने वाली हैं? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अफसोस मैं बहुत बिजी हूँ। झूठ बोलो। इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे टीचर से मिलवाने जा रही हूँ। यही है वो जो तुम दोनों को ट्रेनिंग देंगे। इनसे मिलो, इनका नाम। अब मेरे सवालों के जवाब दो। तुम्हारे पार्टनर्स की मौत पर तुम्हें क्या महसूस होता है? घंटा कुछ नहीं, मर गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बदला लेने का मन करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बदला हम नहीं लेते। तुम दोनों को पूरे अंक मिलते हैं। Oh my God! Wow! तुम दोनों बाकी डेविल हंटर्स से काफी अलग हो। माकिमा, तुम जा सकती हो। मैं इनकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ। तो क्या नाचोगे? मुझे शराब, लड़कियाँ और डेविल्स को मारना बहुत पसंद है। बस हवा निकल गई। आ भाई, कैसी लगी? गर्दन टूट गई है इसलिए हिल नहीं पा रहे, कि थोड़े से खून से तुम दोबारा ठीक हो जाते हो। पैसा बर्बाद पहन धोती है। मैं कई इंसानों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, मगर डेविल्स को पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन डेविल हंटर हूँ। तो जब तक तुम मुझे हराने लायक नहीं बन जाते, मैं तुम दोनों का शिकार करूँगा। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? लग तो रहा है। फिर शुरू करें? दारू दिमाग में चढ़ गई है। किसी का भी सिर फोड़ने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटा था, अक्सर अपने खिलौने तोड़ता था, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली था। तुम दोनों भी मेरी ट्रेनिंग की मदद से बहुत शक्तिशाली बन सकते हो। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। A few moments later, मैं थोड़ी देर सोने के लिए घर जा रहा हूँ। कल मैं तुम्हारे घर पर आकर मिलता हूँ। ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ।
मैं कुल कितनी बार मरा? 20 से भी ज्यादा बार। मैं जिंदगी के मजे लेने के लिए मेहनत कर रहा था, पैसे मार खाने के लिए नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। साला बेवड़ा कहीं का, उछाल उछाल के खिलौनों की तरह तोड़ रहा था हमें। गजब बेइज्जती है। चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, अंत में उसका दिमाग नशे में धुत रहता है। प्यारी समझ गई। सोच रहा हूँ क्यों ना उसके साथ कोई दमदार मुकाबला किया जाए। वैसे अगर हम दोनों मिलकर सोचें तो हमें कभी भी हराना आसान नहीं होगा, है ना? वो तो है। अब हम उस खूसट बुड्ढे के साथ खेलेंगे।